शौचालय पेंशन आवास राशन इत्यादि के लिए परेशान कई गांवों की 200 ग्रामीण आज राज्य महिला आयोग सदस्य प्रभा गुप्ता के आवास पहुंचे व उनसे मिलकर अपनी फरियादें सुनाते हुए प्रधान व सचिव पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर महिला आयोग सदस्य ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत करते हुए कैंप लगाकर सबकी समस्याएं सुनने का आश्वासन दिया तथा और संबंधित अधिकारियों से तत्काल बात की। बांदा जनपद के खमौरा, अधरोरी, कुर्रम, नोहाई, देवीपुरवा, साथी और बरेठी कलाम आदि गांवों की लगभग 200 महिलाओं ने राज्य महिला आयोग प्रभा गुप्ता के घर धावा बोल दिया और प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। 2 घंटे तक ग्रामीण महिलाएं उनके मकान के दरवाजे पर डटी रहीं। महिलाओं ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, सरकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, प्रधान सचिव और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार पर आमदा हैं। बताया कि प्रधान और सचिव धांधली करने से बाज नहीं आ रहे, आवास और कॉलोनी के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, जो पैसे देते हैं उनका काम हो जाता है और जो नहीं देते उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि लाभान्वित सूची में नाम होने पर भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। प्रशासन से कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस पर प्रभा गुप्ता ने कहा है कि ये सभी ग्रामीण ग्राम प्रधान सचिव के सताए हुए लोग हैं। इन ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए जल्द ही एक दिन कैंप लगाया जाएगा। प्रभा गुप्ता ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जिले के अधिकारी समस्याएं नहीं सुनते तो वह खुद मुख्यमंत्री से मिलेंगी और कार्रवाई करेंगी। कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही प्रभा गुप्ता ने ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए DPRO से भी फोन पर बात की। ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं परेशान हो गए, शौचालय आवास के लिए जो परेशानी हो रही है प्रधान और सचिव के द्वारा, उसके लिए लोग यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आई हैं। उन्हें पता चला कि मैं आज घर में हूँ तो लोग यहाँ आ गई हैं। किस तरह की परेशानी इनको? परेशानी इनको यही है कि इनको जो फार्म भर दिया गया है, किसी का नाम भी आ गया है, परंतु उनका पैसा नहीं रिलीज हो रहा है, उनका शौचालय नहीं बना है, उनका आवास की परेशानी आ रही है। इसी के लिए वो आए सचिव और प्रधान जो वहाँ के हैं, खमौरा गांव से आई हैं महिलाएं, तो वो सचिव और प्रधान वहाँ पर बता रहे हैं कि नशा करके पड़े रहते हैं और कोई काम हम लोगों का सुनते नहीं है, और अगर कुछ अगर कहते हैं तो उसके लिए वो पैसा मांगते हैं। भाई इनका कहना है तो इसके लिए अभी मैंने DPRO विभाग से आए हुए थे लोग, उनसे भी बात करी है, तो शनिवार के दिन वहाँ जाके 10 बजे से कैंप लगाया जाएगा और वहाँ पर जो महिला इनकी समस्याएं हैं ग्रामीणों पे उसका निस्तारण किया जाएगा। और जो कुछ विधवा पेंशन से संबंधित महिलाएं आई हैं प्रवेशन विभाग से, उनको मैंने बुलाया हुआ है, उनका ऑनलाइन फॉर्म यहीं भरवा रही हूँ, आज यही भरेगा। समस्या है गाँव में आवास और टट्टी घर, जो रोड में बैठते हैं लड़के बच्चे, अब टट्टी घर नहीं है, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, बताओ वो टट्टी घर कहाँ से बनवाए। तो शासन से पैसा आता है तो सचिव और प्रधान और गांव के कुछ दलाल लोग परेशान करते हैं, लोगों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लेते हैं, बताओ किसको किसको दे, तो अभी आप कितने में बनवाए वो, कितने में शौचालय बनवा ले, कितने में वो आवास बनवा ले, क्या क्या करें। तो इससे पहले आपने शिकायत जिला अधिकारी से की? तमाम जगह किया है। जिला अधिकारी ने अब तक कोई एक्शन लिया? कुछ नहीं एक्शन लेती है, सब सचिव BDO कह लगे, पहुंचे थे CTO कह लगे, और सब खा पी के लूट लाट के बैठ जाती है। हमारा ये लिया प्रधान कहता था कि तुम्हारे फार्म चले गए, साल भर हो गए, हमारे फार्म जमा कर दिया, हमारा कुछ नहीं किया, अभी हमारे BDC आए, फोटो कापी कर लगे घर के, कहा कि आएगा तेलवारी गए, तेलवारी में सुनाई भाई विकास भवन गए और डैम के यहाँ गए, हमारी कोई सुनाई नहीं होती, 20 हज़ार घूस मांगते हैं गरीब मरा। ये 20 हज़ार घूस आपसे कौन मांगता है? नहीं BDO मांगते हैं, प्रधान भी मांगते हैं।